नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सबा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,109 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोविड का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 39,622 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.11% है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.70% है। देश भर में कोरोना अब विकराल रूप धारण करने लगा है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां गुरुवार को 1,527 नए केस आए और 3 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो गई। 909 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। यहां पॉजिटिविटी रेट 27.7 हो गया है, जबकि एक्टिव केस 3,962 हो गए हैं। कोविड के बढ़ते केसों के बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 10 से 12 दिन अहम होने वाले हैं। कारण, इस अंतराल में कोविड के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि देश में एक बार फिर महामारी फैलने लगी है। अगले 10 से 12 दिनों तक मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके बाद केस कम होने लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने का आंकड़ा कम है और उम्मीद है कि आंकड़ा कम हो ही रहेगा, क्योंकि कोविड मामलों में मौजूदा वृद्धि नए वेरिएंट XBB.1.16 की वजह से हो रहे हैं, जो कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। आपको बता दें कि कोरोना होने पर सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान महसूस होना, गले में खराश, नाक बहना, खांसी आना, पेट दर्द, दस्त, बेचैनी जैसी कुछ लक्षण आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं हम आपको सलाह देंगे कि कोविड से बचने के लिए आप पुराने नियम दोबारा अपना लें, जैसे फेस मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना शुरू कर दें, जरूरत ना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, बच्चों को हाथों को साबुन से धोने या फिर सैनिटाइज करने की सलाह दें। कारण ये है कि ये इन्फेक्शन बच्चों में बहुत तेज से फैलता है। अगर बच्चा 12 साल से ऊपर है तो उसे कोविड-19 का टीका लगवाएं। संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति से बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट आहार को शामिल करें। डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले 15 महीने में करीब 450 म्यूटेंट देखे गए हैं। ये नया म्यूटेंट ज्यादा संक्रामक है पर गंभीर नहीं। मामलों से परेशान होने की जरूरत नहीं। बूस्टर डोज 27 से 28% लोगों ने ही लिया है। बुजुर्गों ने अगर एहतियाती टीका नहीं लिया है तो ले लें। बच्चों में पिछले 3 साल में जैसा संक्रमण रहा है ठीक वैसा ही रहेगा, उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। डॉक्टर ने कहा है कि इन्फेक्शन बच्चों में होता है, लेकिन उनमें या तो लक्षण नहीं दिखते या फिर हल्के लक्षण दिखते हैं। बच्चों को अगर कोई पुरानी बीमारी हो तो कोरोना से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय नीति के हिसाब से 12 से ऊपर के बच्चों के लिए हमारे प्रोग्राम में टीका है। उन्होंने ये भी कहा कि 12 से 18 साल के आयु वर्ग में 90% से अधिक बच्चों को टीका मिल चुका है। कोवैक्सीन, कार्बेवैक्स, कोवैक्स, जायोकोव डी, ये चारों टीके 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हैं। 12 साल से नीचे के बच्चों के टीकाकरण को लेकर राष्ट्रीय नीति अभी नहीं है। बूस्टर डोज के बाद बूस्टर के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीमारी इन्वॉल्व हो रही है। 90% लोगों को प्राइमरी टीका लग चुका है। बच्चों में 90% से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि मामले और पॉजिटिविटी रेट अहम नहीं है। अस्पताल में दाखिले नहीं बढ़े हैं, ये अहम है। निगरानी बनाए रखने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। इससे जुड़े और अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।